नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं अमानत नॉलेज। दोस्तों, जब जानकारी प्राप्त करेंगे कि कोई खतियान है और उस खतियान में सारा सब कुछ डिटेल्स है लेकिन चौहद्दी नहीं है, तो आगे दिक्कत भी हो सकती है। तो दोस्तों, इसको जानेंगे और जानने से पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि ज़मीन संबंधित नॉलेजेबल वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। चलिए आगे जानकारी प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों, खतियान से संबंधित ये बातें हैं चौहद्दी के विषय में। किन्हीं सब्सक्राइबर का ये सवाल था कि सर, अगर मान लीजिए कि कोई खतियान है और उस खतियान में सब कुछ दिया गया, सारा डिटेल्स है, जैसे खाता नंबर, खेसरा नंबर, सब कुछ उसमें है, लेकिन चौहद्दी नहीं है। अगर चौहद्दी नहीं है तो क्या भविष्य में उन किसी प्रकार की दिक्कत हो सकेगी? दिक्कत भी आएगी। तो दोस्तों, इसको थोड़ा सा समझते हैं अच्छी तरह से। जैसे मान लीजिए कि कोई खतियान है, उसमें सारा डिटेल सब कुछ है, सिर्फ चौहद्दी नहीं है, और चौहद्दी नहीं है तो कुछ दिक्कत का सामना तो करना पड़ ही सकता है। लेकिन थोड़ा सा डिपेंड इस बात पर पड़ता है कि आप जिस ज़मीन का खतियान मतलब आपके पास है, उस ज़मीन पर आप दखल कब्जा किए हुए हैं तो ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं हो सकती है, बहुत कम दिक्कत होगी, ठीक है। लेकिन अगर कोई ज़मीन ऐसा है जिसका खतियान आपके पास है, उसमें सारा डिटेल्स है लेकिन चौहद्दी नहीं है, और वह ज़मीन आपके कब्जा में नहीं है, तो उस पर कब्जा कर पाना जो है थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि चौहद्दी हमें बताता है एग्जैक्ट कि हमारा ज़मीन कहाँ पर है, ठीक है। तो ये कुछ परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन सारा सब कुछ डिटेल्स है तो डरने वाली बात नहीं है, ठीक है। तो आप निश्चिंत रहें, थोड़ी सी परेशानी हो सकती है लेकिन वो भी सॉल्व हो सकता है, ठीक है। हालांकि कागजी रूप पर तो वो फिर से जो है जिस तरह से खतियान बना उस तरह से तो नहीं लिखा जा सकता है, लेकिन आगे उसकी प्रक्रिया जो है आप चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि नया सर्वे आ रहा है, अगर आपके पास ज़मीन है, वह कागजात है, तो नया सर्वे में आप अपनी परेशानी को बताएंगे तो उसे सुलभ किया जा सकता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि अब आप समझ गए होंगे। अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा, थैंक्स।